साहब, हमारे गांव में तो ये समस्या है कि हमारे गांव में बिल्कुल भी रोड नहीं है। हम कम से कम 1,500 जनता हम यहाँ निवास करते हैं और मार्केट भी जाते हैं, तो यहाँ से पैदल कोई भी सामान लेकर या कुछ अनाज बेचना है हमको, तो कम से कम 15-20 किलो सर पर लेकर, और मेन रोड यहाँ से कम 7 किलोमीटर है। हमारे यहाँ गांव में कोई बीमार हो जाता है, अर्थात महिला गर्भवती होती है, उसे डिलीवरी होने में बहुत परेशानी जाती है, उसको हम लोग डोली में बैठा कर सड़क तक ले जाते हैं। वहाँ जाकर वहाँ कोई गाड़ी का साधन मिलता है तो मार्केट जाते हैं। तो आज तक कम से कम 50 पीढ़ी हमारी मर चुकी है इस गांव में, तो अभी तक रोड बनी नहीं। तो हम शासन के आदमी नहीं हैं, या शासन हमारे पर ध्यान नहीं दे रहे कि शासन के रिकॉर्ड में हम नहीं हैं, तो प्रशासन हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही। कई बार हमने आवेदन बना के दिया, कई बार तहसील में दिया, कई बार SDM साहब को दिया, कई बार कलेक्टर साहब को दिया, जो भी हमारे नेते लोग जहाँ जहाँ हमको पता चलता है वहाँ भी आवेदन देते हैं हम, लेकिन अभी तक हमारा कोई रोड का सुनवाई नहीं हुआ। मैं आप सभी इस वीडियो देखने वाले दर्शकों से अपील करूंगा कि आप हमारे छिंदवाड़ा जिले के कलेक्टर श्री वेद प्रकाश जी से 071-62-24-23-02 में बात कर उन पर दबाव बनाएं, ताकि स्वाम गांव की समस्या का समाधान हो सके। मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा से मैं राजू परतेती, इंडिया अनहर्ट के लिए।